सो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम करेंगे हमारे क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 12 की एक्टिविटी 12.6। सो 12.6 करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारी प्रीवियस एक्टिविटीज 12.1 टू 12.5 जो है वो नहीं देखी, तो प्लीज जाकर देखिएगा। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सभी एक्टिविटीज जो है आपको 12.6 को अच्छे से समझने में जो हेल्प करेंगी, और ये सभी एक्टिविटीज आपस में जो है इंटर रिलेटेड है। कैसे? इस एक्टिविटी में जो है हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का यूज किया है, जबकि 12.4 और 5 में जो है हमने सीरीज में जो है रेजिस्टर्स का यूज किया था। इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है, हमें देखिए कुछ इस तरीके से तीन रजिस्टर्स लगाने हैं, R1, R2, R3। उनको एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देना है। देन जो हमारा सर्किट है इसको हम कंप्लीट करेंगे एक 6 वोल्ट की बैटरी, एक की और एक एमीटर की हेल्प से। ठीक है, इसके लिए जो हम रजिस्टर्स यूज कर रहे हैं वो वही रजिस्टर्स हैं जो हमने एक्टिविटी 12.3, 4 और 5 में यूज किए थे। यानी R1 हमारा होगा 1 ओम का, R2 रजिस्टर हमारा जो है ये 2 ओम्स का होगा, और R3 हमारा 3 ओम्स का होगा। बैटरी हमने अगेन यहां पर 6 वोल्ट की ली है। सो उसके बाद इन्होंने हमें कहा है कि की को प्लग कीजिए और एमीटर की रीडिंग को नोट कीजिए, और साथ ही वोल्ट मीटर की रीडिंग को भी जो है आपको नोट करना है। सो देखिए, यहां पर जब हमने एमीटर की रीडिंग नोट की तो हमारे पास आई 11 एम्पियर जो कि हमारा टोटल करंट है इस सर्किट का, जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो बैटरी का वो हमारे पास 6 वोल्ट ही आया। अब देखिए, जब हमने हमारी प्रीवियस एक्टिविटीज में रेजिस्टर्स को जो है सीरीज में जो है ज्वाइन किया था, R1, R2, R3, जब हमने उनको सीरीज में जो है लगाया था सर्किट में, तो हमारे पास जो एमीटर की रीडिंग आई थी वो आई थी 1 एम्पियर, और यहां पर हमारे पास एमीटर की रीडिंग आई है 11 एम्पियर। मतलब कि एक चीज तो यहीं से आपको क्लियर हो जा रही है कि जो हमारे पास यहां पर रेजिस्टर टोटल रेजिस्टेंस बना है सर्किट का वो कम बना है, लो है, एज कंपेयर टू जब हमारे पास जो रेजिस्टर्स थे वो हमने सीरीज में जोड़े थे। ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी जो है उसके बाद हमने जब पहले रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस R1 में मेजर किया, यानी कि हमने हमारे वोल्ट मीटर को जो है यहां पर लगाया, तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो भी 6 वोल्ट आया। R2 में लगाएंगे तो भी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट आएगा, और R3 में भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 6 वोल्ट आएगा। ये भी एक फर्क हुआ हमारे पास सीरीज और जो है पैरेलल में लगाने का। सीरीज में क्या होता है, अलग अलग रेजिस्टर्स पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट आता है, बट पैरेलल में लगाने पर क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सभी रेजिस्टर्स के केस में 6 वोल्ट ही आया, यानी कि सेम आया। सो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है सभी रेजिस्टर्स जितने भी हमने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं सबका 6 वोल्ट है। सेम किससे, सोर्स से, हमारी बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस से जो कि हमारा 6 वोल्ट है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि प्लग को जो है बाहर निकालिए, एंड देन वोल्ट मीटर और एमीटर को भी जो है रिमूव कर दीजिए। और अब हमें क्या करना है, जैसे हमने वोल्ट मीटर को लगाया था ना, वैसे ही हमने हमारे एमीटर को लगाना है रेजिस्टर R1 में, और एमीटर की रीडिंग को नोट करना है। अब देखिए, अगर आप R1 में लगाएंगे तो यहां पर जो हमारे पास एमीटर की रीडिंग आएगी वो आएगी 6i, यानी कि यहां पर जो पहले रजिस्टर में हमारा करंट है वो है 6 एम्पेयर। ठीक है, माफ कीजिए, यहां पे 6 एम्पेयर लिखना है। I1 हमारे पास है 6 एम्पेयर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 6i है। सो रेजिस्टर की वैल्यू R1 की वैल्यू कितनी आई, 1 ओम। हमें पता है क्योंकि हमने रेजिस्टर जो यूज किए हैं वो 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, यानी कि जो हमारा ये करंट की वैल्यू आई है ये बिल्कुल सही है। उसी तरीके से देखिए, हमें R2 और R3 की वैल्यू भी जो है पेक एम्पियर पे लगाना है, और I1 और I3 की वैल्यू नोट करनी है।
तो रजिस्टर R2 पे जब आप करंट की वैल्यू नोट करेंगे तो वो आपके पास 3i आएगी, और R3 पे आपके पास करंट की वैल्यू 2 एम्पेयर, i 3 एम्पेयर 2 एम्पेयर। ठीक है, इससे क्या पता लगा कि जो हमारा रजिस्टर R2 की वैल्यू है वो है 2 एम्पेयर, और रजिस्टर R3 की वैल्यू है 3 ओम, और R2 की वैल्यू है 2 ओम। सो यहां पर क्या हुआ है, अब देखिए करंट की वैल्यू तो हमारे पास जो है वो बिल्कुल सही आई है। सो इससे हमारे पास I1, I2, I3 के बीच में क्या रिलेशन बनता है। देखिए हमारे पास टोटल करंट क्या था, टोटल करंट था 11 एम्पेयर। ठीक है, सो I1 की वैल्यू हमारे पास है 6, I2 की वैल्यू है 3 और I3 की वैल्यू है 2। अगर इनको हम सम करते हैं तो ये भी हमारे पास आता है 11 एम्पेयर, यानी कि जो टोटल करंट है, टोटल करंट हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट में है वो इक्वल है सम ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहां पे देखिए डिफरेंस आया है। ठीक है, जब हमने रजिस्टर्स को सीरीज में लगाया था, जब हमने हमारे रजिस्टर्स को प्रीवियस एक्टिविटीज में सीरीज में लगाया था, तो चाहे हमने एम्पियर को यहां R1 में प्लेस किया, चाहे R2 पे प्लेस किया, चाहे R3 पे प्लेस किया, सभी केस में हमारे पास जो I की वैल्यू, करंट की वैल्यू आई थी वो आई थी 1 एम्पियर। बट यहां पे क्या हुआ है, पहली चीज तो देखिए सभी रजिस्टर्स के केस में करंट की वैल्यू जो है डिफरेंस आई, यहां पर 6 एम्पियर आई है, यहां पर करंट की वैल्यू आई है आपके पास 3 एम्पियर, और यहां पर आई है 2 एम्पियर। सो करंट की वैल्यू जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ है, रेजिस्टर्स के केस में डिफरेंस आई है, यानी कि सभी केसेस में जो रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, उसने डिफरेंट तरीके से वर्क किया है। ठीक है, वो कैसे होता है, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, हमारे पास जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो है 6/11 ओम, V/I, पोटेंशियल डिफरेंस 6 था, करंट हमारे पास 11 था, तो ओम्स लॉ जो हमारा होता है V=I×R, उसका हमने यूज किया है, जिससे हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस जो है इस सर्किट का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये हमारे पास 6/11 आया है, जिससे कि हमें ये पता लगा कि इस सर्किट में, पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर में जो टोटल रजिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट होता है 1/R=1/R1+1/R2+1/R3। ठीक है, यहां पे आप इसको कैलकुलेशन के थ्रू देख भी सकते हैं कि 11/6 अगर हमने किया 1/R, तो ये हमारा इक्वल है 1/R1, 1/R2, 1/R3, जो कि हमारा आया है 11/6, 1/R, जिससे अगर हम R करें तो ये हमारा हो जाएगा 6/11, जो कि देखिए यहां पर टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया है। सो यहां पर आपको जो मेन मोटिव था समझाने का कि सीरीज में क्या होता है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो R होता है वो हमारा इक्वल होता है R1+R2+R3, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है 1/R हो जाता है, जो कि हमारा इक्वल होता है 1/R1+1/R2+1/R3। और इसीलिए जब हमने सीरीज के कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू फाइंड आउट की थी तो करंट हमारे पास कम आया था, वो हमारे पास आया था 1 एम्पेयर, क्योंकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो हमारा इंक्रीज हो गया था, वो तीनों रेजिस्टेंस का सम आया था, इसीलिए वो ज्यादा हो गया था। बट यहां पर क्या है, हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो कम हो गया है, वो पैरेलल के सीरीज के कॉम्बिनेशन में कम हो गया है, क्योंकि यहां पर इनका जो सम है रेजिस्टेंस का वो रेसिप्रोकल ऑफ ऑल रेजिस्टेंस ऑफ सम है, यहां पर रेजिस्टेंस हमारा थोड़ा सा कम हुआ है सीरीज के कंपैरिजन में, और इसीलिए हमारे पास यहां पर करंट की वैल्यू जो है वो 11 एम्पेयर आई है। सो यहां पर हमारी जो सभी एक्टिविटीज हैं चैप्टर्स की 12.1 से लेकर 12.6 तक सभी एक्टिविटीज कंप्लीट होती है। सभी एक्टिविटीज के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।